नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आज मेरे पास है दो प्यारा सा स्मार्टफोन, एक जो है वन प्लस नॉर्ड 3, दूसरा है ओप्पो F27 Pro Plus। ये दोनों फोन के बीच में स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं किसका रैम मैनेजमेंट अच्छा है और कौन सा फोन में पावरफुल प्रोसेसर है। ऐसे भी मेरे पास है दोनों फोन का 8GB 128GB वेरियंट। वन प्लस में है LPDDR5X की रैम, UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप। ओप्पो में है LPDDR4X की रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप। इवन दोनों फोन का प्रोसेसर भी अलग है। वन प्लस में है Dimensity 9000 चिपसेट और ओप्पो में है Dimensity 7050 चिपसेट। तो चलिए दोनों फोन के बीच में स्पीड टेस्ट करके देख लेते किसका परफॉर्मेंस बेस्ट है। लो भाई, आपके सामने है दोनों फोन। ये जो स्पीड टेस्ट होगा ना, टोटल 5 राउंड में, जो फोन ज्यादा राउंड में पॉइंट को हिट करेगा वही फोन आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए पहला राउंड में चलते हैं। तो पहला राउंड में दोनों फोन को रिस्टार्ट करके देख लेते कौन सा फोन पहला होम स्क्रीन लेकर आता है। जो फोन पहला होम स्क्रीन लेकर आएगा वही फोन इस राउंड में विनर रहेगा। ऐसे भी मेरा राइट साइड में ओप्पो है, लेफ्ट साइड में वन प्लस है। तो चलिए दोनों फोन को सेम टाइम में रिस्टार्ट करते हैं। 1 2 3, दोनों फोन स्विच ऑफ हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला होम स्क्रीन लेकर आया है ओप्पो F27 Pro Plus। तो इस राउंड में साफ साफ विनर जो है ओप्पो। सेकेंड राउंड में स्कोर्स टेस्ट करके देख लेते हैं कौन सा फोन ज्यादा स्कोर लेकर आता है। दोनों फोन में 3 एप्लीकेशन है, ये 3 एप्लीकेशन में जो फोन ज्यादा स्कोर लेकर आएगा वो फोन इस राउंड में विनर होगा। तो पहला अंतुतु बेंचमार्क देख लेते हैं। पहले मैंने दोनों फोन में अंतुतु को रन करके रखा था, फिर से यहाँ पर टेस्ट अगेन में क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अंतुतु स्कोर लेकर आया है ओप्पो ने। चलिए वन प्लस का अंतुतु स्कोर आने के बाद पता चल जाएगा किसका अंतुतु स्कोर यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर वन प्लस का भी अंतुतु स्कोर आ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वन प्लस का जो अंतुतु स्कोर है ज्यादा है, इसलिए वन प्लस एक पॉइंट को हीट करता है। नेक्स्ट सीपीयू थॉटलिंग को रन करके देख लेते किसका थर्मल मैनेजमेंट अच्छा है। ये जो सीपीयू थॉटलिंग है ये 15 मिनट के लिए रन होगा। सीपीयू थॉटलिंग रन कम्प्लीट हो गए और यहाँ पर ओप्पो में 91% आया है और वन प्लस में 85% आया है। तो ओप्पो एक पॉइंट को हिट करता है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस परसेंटेज ज्यादा है। नेक्स्ट गिगबेंच 6 को रन करके देख लेते हैं किसका सिंगल स्कोर और मल्टी स्कोर ज्यादा है। यहाँ पर सबसे पहले स्कोर लेकर आए वन प्लस ने, मोटो का स्कोर आने के बाद पता चलेगा किसका स्कोर ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओप्पो का स्कोर भी आ गया। यहाँ पर सिंगल स्कोर और मल्टी स्कोर वन प्लस में ज्यादा है, इसलिए ये फोन एक पॉइंट को हिट भी करता है। ऐसे भी देखा जाए इस राउंड में ज्यादा पॉइंट को हिट कर चुका है वन प्लस। इस राउंड में साफ साफ विनर जो है वन प्लस नॉर्ड 3। थर्ड राउंड में ऐप ओपनिंग टेस्ट करने वाला हूं। तो ऐप ओपनिंग टेस्ट करने से पहले दोनों फोन की बैकग्राउंड में जो सारा ऐप्स है सबको क्लियर ऑल कर देते, तो यहां पर भी क्लियर ऑल कर देते। दोनों फोन सेम वाईफाई से कनेक्ट है, यहां पर आप देख लीजिए। उसी के साथ दोनों फोन 120 हर्ट्ज में रन भी हो रहा है। तो चलिए एक एक एप्लीकेशन को ओपन करके देख लेते कौन सा फोन पहला पहला ऐप को ओपन करता है। पहला G5 ऐप को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर पहला ओपन किया है ओप्पो ने। नेक्स्ट हॉटस्टार एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर पहला ओपन किया है ओप्पो। जियो सिनेमा को ओपन करते हैं, यहाँ पर भी पहला ओपन किया है ओप्पो ने। यूट्यूब को ओपन करते हैं, यहाँ पर भी पहला ओपन किया है ओप्पो ने। नेक्स्ट फ्लिपकार्ट को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ओप्पो ने पहला ओपन किया है। यहाँ पर स्मार्टफोन को मैं स्विच कर देता हूँ, मेरा राइट साइड में वन प्लस है और लेफ्ट साइड में ओप्पो है। मिंत्रा एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर भी फिर से ओपन किया है ओप्पो ने। अमेजोन, यहाँ पर पहला ओपन किया है वन प्लस। देन फेसबुक, यहाँ पर दोनों फोन लगभग सेम टाइम में ओपन किया है। इसके बाद इंस्टाग्राम, यहाँ पर आप देख सकते हो पहला जो ओपन किया है वो है ओप्पो ने। देखा जाए तो ज़्यादातर एप्लीकेशन को ओप्पो ने पहला ओपन किया है, लेकिन असलियत पता चलेगा BGMI गेम में। BGMI गेम का लॉबी स्किन कौन सा फोन पहला ओपन करता है, चलिए वो देख लेते हैं। 1 2 3, तो ये पहला लॉबी स्किन लेकर आ गए ओप्पो ने, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो देखा जाए ज्यादातर एप्लीकेशन को ओप्पो जो है पहला पहला ओपन किया है और इस राउंड में ज्यादा पॉइंट को भी हिट कर चुका है, इसलिए इस राउंड में साफ साफ विनर जो है ओप्पो F27 Pro Plus। फोर्थ राउंड में दोनों फोन में वीडियो एक्सपोर्ट करके देख लेते कौन सा फोन पहला वीडियो को एक्सपोर्ट कर पाता है। दोनों फोन में कैन मास्टर एप्लीकेशन है और सेम वीडियो मेरे पास है दोनों फोन का। दोनों फोन का वीडियो का ड्यूरेशन देख लीजिए, सेम है टाइमलाइन पर। चलिए अब एक्सपोर्ट सेटिंग्स चेक कर लेते। तो यहाँ पर ओप्पो की फोन से आप मैक्सिमम यहाँ पर 2K 60fps में कर पाओगे, लेकिन वन प्लस में आप 4K 60fps में कर पाओगे। तो चलिए दोनों फोन में 2K 60fps में वीडियो को एक्सपोर्ट करके देख लेते कौन सा फोन पहला वीडियो को एक्सपोर्ट कर पाता है। यहाँ पर सेव एस वीडियो में क्लिक करते हैं।
देन स्किप में क्लिक करूंगा तो वीडियो एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर स्किप में भी क्लिक कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों फोन में वीडियो एक्सपोर्ट स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वन प्लस जो है पहला वीडियो को एक्सपोर्ट कर चुका है और ओप्पो जो है अभी भी वीडियो को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इस राउंड में साफ साफ विनर जो है वन प्लस नॉर्ड 3। लास्ट राउंड में दोनों फोन का रैम मैनेजमेंट टेस्ट करने वाला हूँ, उससे पहले दोनों फोन की बैकग्राउंड को चेक करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख लीजिए दोनों फोन की बैकग्राउंड में सारे एप्लीकेशन रन है, जो सारे एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया। तो चलिए एक एक एप्लीकेशन को ओपन करके देख लेते हैं दोनों फोन के रैम में है कि नहीं। हॉटस्टार को ओपन करते तो यहाँ पर भी आप देख लो वन प्लस जो है रीलोड कर रहा है, वन प्लस का रैम मैनेजमेंट बहुत घटिया है भाई। यहाँ पर जियो सिनेमा को ओपन करते तो यहाँ पर भी आप देख लो वन प्लस जो है रैम में नहीं रखा है, यह फिर से रीलोड कर रहा है। यहाँ पर आप देख लो बैकग्राउंड में जो है सारे एप्लीकेशन रनिंग है, फिर भी ऐसा कुछ कर रहा है। नेक्स्ट यूट्यूब को ओपन करते तो यहाँ पर आप देख लो फिर से यहाँ पर रीलोड कर रहा है वन प्लस। फ्लिपकार्ट को ओपन करते फिर से यहाँ पर रीलोड कर रहा है वन प्लस। मिंत्रा को ओपन करते यहाँ पर फिर से रीलोड कर रहा है वन प्लस, लेकिन ओप्पो जो है वो रैम में रखा है। यहाँ पर अमेजोन को ओपन करते तो यहाँ पर आप देख लो ओप्पो जो है रैम में रखा है, वन प्लस फिर से रीलोड कर रहा है। फेसबुक को ओपन करते दोनों फोन की रैम में है। इंस्टाग्राम को ओपन करते दोनों फोन की रैम में है, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम को जो है वन प्लस रैम में रखा है, लेकिन बीजीएमआई गेम को रखा है कि नहीं यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीजीएमआई गेम को वन प्लस जो है रैम में नहीं रखा है, ओप्पो जो है वो रैम में रखा है। तो इस राउंड में साफ साफ विनर जो है ओप्पो F27 प्रो प्लस। ऐसे भी देखा जाए टोटल 5 राउंड में ज्यादा राउंड में विनर हो चुका है ओप्पो F27 प्रो प्लस, इसलिए स्पीड टेस्ट में बेस्ट फोन जो है ओप्पो F27 प्रो प्लस। फिर भी आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।